लास्ट टाइम हम आवाज आ रही है, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एक्सपेक्टेड वैल्यूज yes. उससे रिलेटेड एक सवाल आज हमें डिस्कस करना है, दैट इज रिलेटेड टू जॉइंट प्रोबेबिलिटीज. ठीक है, तो पहले सवाल देख लेते हैं, फिर जॉइंट प्रोबेबिलिटी का आइडिया. फॉर एग्जांपल, कूपर को इज कंसर्न्ड अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट and is looking for ways to incorporate risk into the investment appraisal process. The company has heard that probability analysis may be useful in this regard, and so the following information related to the proposed investment has been prepared. Tier 1 cash flows. Cash flows given hai, probability is given. Iska matlab year 1 mein agar 1 million aata hai, iski probability is 0.1, 2 million bhi aa sakta hai, probability 0.5, 3 million bhi aa sakta hai, probability 0.4. ठीक है, नॉर्मल नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसकी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल लेते हैं. ईयर टू में कैश फ्लो 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, प्रोबेबिलिटी इज गिवन. ये 2 साल के कैश फ्लो है. हाउएवर द कंपनी इज नॉट श्योर हाउ टू इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एनालिसिस एंड द न्यू प्रपोज इन्वेस्टमेंट विल कॉस्ट 3.5 मिलियन पेएबल इन स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑपरेशन एंड अ डिस्काउंट रेट ऑफ 12%. डेटा तो बड़ा सिंपल सा है. Using a joint probability table. Now, what is joint probability? देखें, cash flow year 1 के and cash flow year 2 के ये आपस में dependent है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो cash flow year 2 के आएंगे, ये इस बात पे depend करते हैं कि year 1 में ये cash flow होने चाहिए. अगर year 1 में cash flow होगा तो ये year 2 में cash flows होंगे. तो इसका मतलब है दो events आपस में कनेक्टेड है, और उन दोनों की इवेंट्स अगर आप दो इवेंट्स अगर आपस में कनेक्टेड है तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटीज होंगी वो भी आपस में कनेक्टेड होंगी, और रिजल्ट्स के लिए हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मीन एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट. 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, और हमें एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल बनानी. सो हम एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, और उसके अंदर हम पहला कॉलम बना लेते हैं. जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो उसके लिए हमें डिस्काउंट फैक्टर चाहिए. डिस्काउंट फैक्टर अवेलेबल है राइट नाउ? आप लोगों के पास डिस्काउंट फैक्टर है राइट नाउ? हेलो, तो पहले साल का जो कैश फ्लो है हमारे पास 1 मिलियन, 1 मिलियन का 12% का डिस्काउंट फैक्टर बताएं ईयर वन का. और इसे मल्टीप्लाई कर दें 0.893 से एंड फाइंड आउट द वैल्यूज. हाँ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें. फर्स्ट ईयर के कैश फ्लोज की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो ये हो जाएगा 893. दोबारा बोले, वन सेवन एट सिक्स और टू सेवन नाइन. तो ये मैंने जो है वो पहले साल के कैश फ्लोज
और ये दूसरे साल के कैश फ्लोज को पीवी फैक्टर में लगाकर प्रेजेंट वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी बेसिस के ऊपर मैं एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, दैट इज अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल। लेट सी जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल। तो उसके लिए पहले मैं एक कॉलम बना रहा हूँ ईयर वन कैश फ्लो का, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके बाद ईयर टू के कैश फ्लोस और उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी। देखें जी, अगर पहले साल 893 आएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1, तो सेकेंड ईयर में क्या आ सकता है? सेकेंड ईयर के अंदर 1594 आ सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। एक तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। फिर अगर हम एक और कॉम्बिनेशन बनाना चाहें, तो अगर पहले साल 893 आ सकता है तो दूसरे साल 2391 आ सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6। और दूसरे साल 5000 आ सकता है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में 3958 जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1 अगर पहले साल 893 आता है। ये कॉम्बिनेशन समझ में आता है कि ये दो ईयर्स के जो कैश फ्लोज हैं ये आपस में किस तरह से डिपेंडेंट है, कि ईयर वन में अगर 893 आता है तो ईयर टू के तीन फर्दर आउटकम्स हो सकते हैं, जिसमें 1594 भी हो सकता है, 2391 भी हो सकता है, 3958 भी हो सकता है। इसी तरह अगर ईयर वन में 2 मिलियन आता है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 1786 है, तो हमारे पास 1786 में जिसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई और प्रोबेबिलिटी आ गई 0.5, ये तीन ऑप्शन दोबारा आ सकते हैं, ये तीन ऑप्शन होंगे ईयर टू के अंदर जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। साथ क्या कह रहे हो? जी साथ, क्या करूं? कंप्लीट कर लूं टेबल को? तो ये इस तरह से हमने टेबल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी बेसिस के ऊपर हम पहले और दूसरे साल के कैश फ्लोस को कंबाइन कर लेते हैं। तो हमारे कंबाइन कैश फ्लोस आ गए 893 प्लस 1594, 893 प्लस 1594, सो दैट इज 2487। और सेकेंड ईयर के हमारे कंबाइंड कैश फ्लोज आ जाएंगे 3284, उसके बाद हमारे कंबाइंड कैश फ्लो आ जाएंगे 4878, उसके बाद 3380, उसके बाद हमारे कैश फ्लोज हैं 4177, आफ्टर दैट हमारे कैश फ्लोज आ रहे हैं 5771। कौन सा वाला? इसकी वैल्यू
एक सेकेंड, लेट मी चेक। सही नहीं आ रही किस वाले की? फोर टू सेवन थ्री नहीं आ रही। अच्छा चेक कर लेते हैं, भी सही नहीं आ रहा है। 5744 आ रहा है। चेक कर लेते हैं, वन मिनट। और थर्ड की भी सही नहीं। अच्छा ठीक है, दोबारा कर लेते हैं। चले 893 प्लस 3958, सो दैट बिकम्स 3065। अब सही है। उसके बाद 1786 प्लस 1594, सो 3380, ये सही है। उसके बाद 1786 प्लस 2391, 4177, ये भी सही है। 5744 आ रहा है। यू आर राइट, 5744 आ गया। 4273 आ रहा है क्या? 4273, 5070, and the next is 6664। ये combined cash flows आ गए ना, दोनों के combined cash flows आ गए कि ये आएंगे total। और इसकी joint probability आ गई, तो joint probability कैसे निकालेंगे? दोनों साल की probabilities को multiply कर दें। Sir, currently भी wrong है। 485 एक सेकेंड, किसकी गलत है? अच्छा, सही है। ये 1594, 2391 और 3985, ये गलत है। 3985 और इस तरह 1594, 2391, 3985, सो ये हो गया 3985 और ये भी हो गया 3985। अब सही है। अच्छा आप प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करें, 0.3 इंटू 0.1, सो ये हो गई 0.03। इसी कैश फ्लोस भी अब सही नहीं है। कैश फ्लोस नहीं है सर, सही नहीं है। आप कौन सा गलत है सर? अपने थर्ड वाला जगह आ रहा है 4878, तो 4878 आएगा, 4878 और 5771, तो ये आएगा 5771 और लास्ट वाला आएगा आपका 6664। लास्ट वाला ठीक है, 5070 ये भी ठीक है, 4273 ये भी ठीक है, 4177, 3380 बाकी सारे ठीक है। अच्छा प्रोबेबिलिटीज को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ रहे हैं 0.05, 0.12, 0.24, 0.04, ये आ गई जॉइंट प्रोबेबिलिटीज। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएंगे हमारे पास? पहला आंसर आएगा 74.6, दूसरा आंसर आएगा 197,
तीसरा आंसर आएगा 48.8। नेक्स्ट आएगा 507.0। वन टू फाइव 3.1। टू डबल 8.6। 512.8। 1216.8। 266.6। अब इसको टोटल कर टोटल कर लेंगे कि इसका टोटल आंसर कितना आ रहा है। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस। इसका टोटल आंसर हमारे पास आएगा 4365 कर ले राउंड ऑफ। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दें। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 3500 की, तो एनपीवी कितनी आएगी? यानी कि अगर एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे डिसीजन लिया जाए तो ये प्रोजेक्ट जो है वो वायबल प्रोजेक्ट है। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट हो गई। पहली रिक्वायरमेंट में पूछा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें, मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि ये बताएं कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी कि एनपीवी नेगेटिव आएगी। एनपीवी नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी, तो हमें हर ऑप्शन में एनपीवी निकालनी पड़ेगी पॉसिबल ऑप्शन में। तो यहां पर मैं एक कॉलम बना देता हूं किसका, नेट प्रेजेंट वैल्यू का, ताकि मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकूं। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैश फ्लोज ले रहा हूं ये वाले कि दो साल के नेट इनफ्लोज ये आएंगे और आउटफ्लो कितना होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3500। सो 3500 में से अगर मैं इनफ्लो माइनस कर दूं 2487 तो नेगेटिव एनपीवी आ जाएगी 1013। इसी तरह अगर कैश फ्लो हो 3284 और मैं माइनस कर दूं 3500 तो माइनस एनपीवी आ जाएगी 216 की। अच्छा, इसके अंदर पॉजिटिव एनपीवी आएगी, इसके अंदर भी माइनस आएगी 3380 माइनस 3500 120 की माइनस एनपीवी आएगी। बाकी सारे ऑप्शन में पॉजिटिव एनपीवी आएगी। ठीक है, सो देर आर थ्री ऑप्शन जिसके अंदर नेगेटिव एनपीवी आ रही है। तो अगर इनकी तीनों की एनपीवी को प्लस प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दिया जाए, ये दो हो गए और एक ये हो गए 15, इनको प्लस किया जाए 0.03, 0.06 और 15, कितना होगा? तो हम कहेंगे देर आर 24% प्रोबेबिलिटी दैट एनपीवी नेगेटिव आएगी। ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी है या कम प्रोबेबिलिटी है? हाई प्रोबेबिलिटी या लो प्रोबेबिलिटी? कितने परसेंट है? ट्वेंटी फोर। 66% चांसेस क्या होंगे के पॉजिटिव एनपीवी आएगी? पॉजिटिव नहीं। अगली रिक्वायरमेंट क्या है?
calculate the NPV of the most likely outcome. What is most likely outcome? Most likely outcome वो outcome होता है जिसकी probability सबसे ज़्यादा होती है. इस पूरे table में सबसे ज़्यादा probability किसकी है? सबसे ज़्यादा probability है 0.30. सही है? So most likely outcome 0.30. calculate the NPV of the most likely outcome. इस पे NPV निकालें most likely outcome पे. तो 4177 minus 3500 677. तो हम ये कहेंगे कि 30% चांसेस हैं मोस्ट लाइकली कि हमारी जो एनपीवी आएगी वो 667 आएगी. सही है जी. कमेंट ऑन द फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रपोज इन्वेस्टमेंट. अब इसके लिए मैं जो है ना वो आपके सामने आंसर शेयर करता हूं ताकि हम उसके आंसर को डिस्कस कर लें. वैसे तो हमें पता है. वन मिनट, एक मिनट दे, मैं आंसर शेयर करता हूं. तो अगर हम फॉर एग्जांपल ये बात करें कि एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट पॉजिटिव आ रही है तो हम कहेंगे प्रोजेक्ट फीजिबल है. हम इसके मोस्ट लाइकली आउटकम को देखेंगे तब भी ये अच्छा प्रोजेक्ट है. और अगर हम इसके नेगेटिव एनपीवी आने के चांसेस पे बात करेंगे तब भी हमें इस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी अच्छी लग रही है. सो ओवरऑल ये प्रोजेक्ट सीम्स टू बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट. लेकिन मैं इसका एग्जामिनर का आंसर शेयर कर रहा हूं रिगार्डिंग कि आप इसके आंसर पे क्या कमेंट करेंगे. देखें जी, सो ओवरऑल नेगेटिव एनपीवी आने के चांसेस कितने हैं? 24%. मोस्ट लाइकली आउटकम आने के चांसेस हैं 677 एनपीवी, हाईएस्ट जॉइंट प्रोबेबिलिटी, और ये हमने निकाली थी 30%. कमेंट, द मीन एनपीवी is positive, so it might be thought that the proposed investment is financially acceptable. However, the mean expected NPV is not a value expected to occur because of undertaking the proposed investment, but a mean value from undertaking the proposed investment many times. There is no clear decision rule associated with the mean expected NPV. A decision on financial acceptability must also consider the risk of a negative NPV being generated by the investment. At 24%, this might appear too high a risk to be acceptable. The risk preference of the directors will inform the decision on financial acceptability. There is no decision rule to be followed here. यानी कि उनका कहने का मकसद ये है कि 24% अगर एक risk taker है तो उस risk taker के लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर एक risk averser है तो इस risk averser के लिए 24% is too much. तो वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर ये इन्वेस्टमेंट वो नहीं लगाएगा. एवरेज बेसिस पे देखा जाए, प्रोबेबिलिटी को ठीक कंसीडर किया जाए तो फिर हमारे लिए प्रोजेक्ट वायबल प्रोजेक्ट कंसीडर किया जाएगा. सही है जी. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अच्छा, ये दो मेथड हमने कंसीडर कर लिए. एक तो हमने सेंसिटिविटी कंसीडर किया और दूसरा हमने एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर किया. अब कुछ और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के मेथड्स हैं जो कि कैलकुलेशन नहीं आती, नॉर्मली थ्योरेटिकली पूछे जाते हैं. जैसे इसने यहाँ पर कहा है कि डिस्कस टू मेथड्स
फॉर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इन तीनों में से कोई भी दो मेथड एक्सप्लेन कर दें, एडजस्टेड पे बैक, डिस्काउंट रेट एडजस्टेड या सिमुलेशन। सो लेट्स डिस्कस दीज इन डिटेल कि ये मेथड्स क्या हैं। एडजस्टेड पे बैक, हमने डिस्काउंटेड पे बैक मेथड पढ़ा था, याद है? पे बैक मेथड याद है जी? क्या था पे बैक मेथड? पे बैक मेथड में ये हम करते थे कि जो कैश फ्लोज के पे बैक, जिस कैश फ्लो का पे बैक जल्दी आता है वो हमारे लिए कम रिस्की प्रोजेक्ट होता है, सही है? सो जिसका लो पे बैक होता है वो प्रोजेक्ट कम रिस्की होता है, और जिसका हाई पे बैक होता है वो प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की कंसीडर किया जाता है। अब इसको बेस बनाकर अगर हम पे बैक को यूज करें तो हाउ वी कैन इलिमिनेट रिस्क, हाउ वी कैन क्वांटिफाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। If risk and uncertainty are considered to be the same, payback can be used to adjust for risk and uncertainty in investment appraisal. As uncertainty increases, the payback period can be shortened to increase the emphasis on cash flows which are near to the present time and hence less uncertain. Conversely, as uncertainty decreases, the payback can be lengthened to decrease the emphasis on cash flow which are nearer to the present time. Discounted payback adjusts the risk in investment appraisal in that risk is reflected by the discount rate employed. Discount payback can therefore be seen as an adjusted payback method. तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अपना cost of capital ज्यादा रख के discount करेंगे तो short payback आएगा, यानी कि payback अचीव करने में problem होगी, और शॉर्ट पेबैक वाले प्रोजेक्ट अगर हम अचीव करने जाएंगे तो उसका फायदा ये होगा कि कैश फ्लो कम रिस्की होंगे, इनिशियल ईयर्स में कैश फ्लो कम रिस्की होते हैं और सब्सिक्वेंटली कैश फ्लोज ज्यादा रिस्की होते हैं। ईयर वन और टू में कैश फ्लो कम रिस्की होते हैं, फोर फाइव सिक्स सेवन में कैश फ्लो ज्यादा रिस्की होते हैं। तो हम अगर पेबैक मेथड इस्तेमाल करेंगे तो हमारे काफी अनसर्टेनिटी जो है वो इसमें से निकल जाएगी। और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट हमने पढ़ा था कैपएम की डिस्कशन के अंदर, भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन, लेकिन हम ये कवर कर चुके हैं। हमने कैपएम के अंदर पढ़ा था प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज सेम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लगता है कि एक प्रोजेक्ट को हमने इवेल्युएट किया और उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 10% है, जिसके ऊपर एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, अब हम क्या कर सकते हैं? अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को थोड़ा सा इन्फ्लेट कर दें और 12% ले लें फॉर एग्जाम्पल, नाउ कैलकुलेट एनपीवी। अगर इफ इट इज स्टिल पॉजिटिव सो गो अहेड, एंड इफ इट्स कन्वर्टेड इनटू अ नेगेटिव एनपीवी दैट मींस कि ये प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा वल्नरेबल। द रिस्क एडजस्टेड विथ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द डिस्काउंटेड इज अ रिस्क प्रीमियम ओवर द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। द रिस्क प्रीमियम कैन बी डिटरमाइंड ऑन अ सब्जेक्टिव बेसिस, फॉर एग्जाम्पल बाय रिकॉग्नाइजिंग दैट launching a new product is intrinsically riskier than replacing a machine or a small expansion of existing operation. The risk premium can be determined theoretically by using the capital asset pricing model in an investment appraisal context. A proxy company equity beta can be ungeared and the resulting asset can be regeared to reflect the financial risk of the company, giving a project specific equity beta which can be used to find a project specific cost of equity or a project specific discount rate. So, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा जी, एक नया मेथड विच इज कॉल्ड सिमुलेशन।
सिमुलेशन क्या है और सिमुलेशन की थ्योरी क्या है। देखिए हम लोगों ने सेंसिटिविटी एनालिसिस डिस्कस किया था। सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं, वन वेरिएबल एट अ टाइम चेक करते हैं, वन वेरिएबल एट अ टाइम, और उसका इम्पैक्ट फाइंड आउट करते हैं कि रिजल्टिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, दैट इज सेंसिटिविटी। और हमने उसके ड्रॉबैक्स में पढ़ा था कि मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल वेरिएबल्स और उन वेरिएबल्स की रिलेशनशिप डिपेंडेंसी को सेंसिटिविटी एनालिसिस एड्रेस नहीं करता। तो हमें ये पता नहीं लगता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेलिंग प्राइस और यूनिट्स और वेरिएबल कॉस्ट को एक साथ असेस करना चाहूँ कि इन तीनों में क्या चेंज आएगा और मेरी एनपीवी के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा, तो मैं वो सेंसिटिविटी से फाइंड आउट नहीं कर सकता। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक बेहतर मॉडल इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल कॉल्ड सिमुलेशन टेक्निक। तो सिमुलेशन टेक्निक्स के अंदर हम करते क्या है, सिमुलेशन टेक्निक्स के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट किन किन वेरिएबल से अफेक्टेड है, मल्टीपल वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करते हैं, उन मल्टीपल वेरिएबल्स के रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर उनका इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करते हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर डिफरेंट सिनेरियोस के अंदर प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करके एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं, और उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, और फिर उस बेसिस के ऊपर डिसाइड करते हैं कि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ओवरऑल, ये मैनुअली नहीं हो सकता, ये एक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन या एक कंप्यूटराइज्ड पैकेज के जरिए होता है। इसलिए एग्जाम में सिर्फ इसकी थ्योरी आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सिमुलेशन मेथड क्या होता है और हाउ दैट सिमुलेशन मेथड वर्क्स। तो थ्योरी पढ़ लें काफी है, बस कैलकुलेशन नहीं आएगी। लेट मी शेयर यू द आंसर। और ये आंसर आपके लिए इनफ होगा कि आप नेक्स्ट टाइम अगर सिमुलेशन को डिफाइन करें तो एग्जाम में काफी होगा। सिमुलेशन इज अ कंप्यूटर बेस्ड मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट वेयर बाय द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल प्रोजेक्ट वेरिएबल्स एंड इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन वेरिएबल्स आर इनकॉर्पोरेटेड। Random numbers are assigned. Random numbers are assigned to a range of different values of a project variable to reflect its probability distribution. Each simulation run randomly select values of project variable using random number and calculate a mean expected NPV. A picture of the probability distribution is built up from the results of repeated simulation run. The project risk can be assessed from this probability distribution as the standard deviation together with the most likely outcome and the probability of a negative NPV. ठीक है जी।